जमीनी विवाद को लेकर शमसाबाद गांव में गोली चलने का मामला सामने आया है। गोली चलने की वजह पुरानी जमीनी विवाद बताया जा रहा है। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत होने का समाचार है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अलाफिया सामान्य अस्पताल माड़ीखेड़ा भेज दिया गया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। गाँव में तनाव को कम करने के लिए भारी सुरक्षा के इंतजाम पुलिस विभाग की तरफ से किए गए हैं। बता दें कि नसरू शमसू हसन पुत्रान रोजदार निवासी शमसाबाद का आपस में जमीनी विवाद चल रहा था। तीनों सगे भाई हैं और इनकी जमीन पड़ोस के गांव चांदनकी में बताई गई है, जिसे लेकर करीब पिछले 5 साल से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते सुबह करीब 9:30 बजे पुनहाना सिकरावा मोड़ पर चाय की दुकान पर बैठे नसरू को बाइक पर सवार लोगों ने गोली मार दी। इस गोली के कारण नसरू ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। शमशेर सिंह डीएसपी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज में दो बाइकों पर सवार कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिन पर गोली मारने का शक है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया हुआ है जो लगातार जगह जगह दबिश दे रही है। शमशेर सिंह डीएसपी ने बतलाया है कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश है और एक परिवार ही आपस में झगड़ा उनका चला रहा है, जिसकी वजह से यह हत्या की गई। कुल मिलाकर भतीजे पर ही चाचा की हत्या करने का आरोप लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तथा पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या का असली कारण क्या है, लेकिन फिलहाल जमीनी विवाद की वजह से नसरू हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह चुका है। आप देख रहे नुहमेवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। मुझे सूचना मिली नसरुद्दीन है खैस्तान शमसाबाद खैस्तान का, जिसकी है ना कुछ व्यक्तियों ने गोली मार के हत्या कर दी। उसके उसमें हमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखा दी है, जिसमें दो मोटरसाइकिल वाले सामने आए हैं जिन्होंने इंतजाम किया। अभी हमारी टीम और सीआईए की टीम लगातार दबिश दे रही है, और जिसमें जो मर्डर का भाई किस लिए मर्डर हुआ है 2021 नहीं तो ये है 421/2017, इसमें इसके भतीजे मोहम्मद शाह का मर्डर हो गया था, और इस रंजिश में इसका जो भतीजा जेल में गया था, जेल से आने के बाद इसने इस हत्या को अंजाम दिया।